मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 134 और आज का टॉपिक है डायमेंशन लेस नंबर इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, उन सब के अपने अपने कुछ डायमेंशन लेस नंबर थे, ऐसे ही CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में भी डायमेंशन लेस नंबर है। तो वो सारे डायमेंशन लेस नंबर एक तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हैं। कोई भी सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सारे कंसिडरेशन की स्टडी हम करते हैं और उन सारे कंसिडरेशन के बारे में बताने के लिए कि वो ज़्यादा है पैरामीटर, वो कम है, वो प्रॉपर्टी ज़्यादा है या वो कम है, मॉडरेट है, उन सब के लिए हम कोई डायमेंशन लेस नंबर यूज करते हैं। डायमेंशन लेस नंबर हमें किसी न किसी पर्टिनेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। तो हम डायमेंशन लेस नंबर को पढ़ना शुरू करते हैं। लगभग 5 से लेकर 6 डायमेंशन लेस नंबर हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला डायमेंशन लेस नंबर हम यूज कर रहे हैं वो हम लेते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर, अब भाई ये रेनॉल्ड नंबर क्या क्या होते हैं? हम लोगों ने देखा कि रेनॉल्ड नंबर तो एक्चुअली देखा जाए तो रेनॉल्ड नंबर तो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल डायमेंशन लेस नंबर है, जिसकी अगर हम लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो वो वैरी करती हैं। कोई बोलता है भाई 10,000 से ऊपर हो तो टर्बुलेंट है और 10,000 से नीचे हो तो वो लैमिनार है। कोई बोलता है 1 से लेकर 10 के बीच में लैमिनार है। कोई बोलता है 2100 से नीचे या फिर 2300 से नीचे लैमिनार है। कोई बोलता है फिर उसके बाद और 4000 से ऊपर टर्बुलेंट है, या कभी कोई बोलता है 3300 से ऊपर टर्बुलेंट है। तो वो बहुत सारे पैरामीटर जो हम जो डायमेंशन उसकी लिमिटेशंस लेते हैं राउंड नंबर की, वो कई जगहों पर है। जैसे मिक्सिंग में है, एजिटर, इनकेस ऑफ एजिटर है, इनकेस ऑफ पाइप फ्लो है, इनकेस ऑफ चैनल फ्लो है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम समय के साथ सीखेंगे। मगर क्या है कि हम अभी सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक का नाम है, ऐसे आपको मालूम है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 51 था शायद, जिसमें हम लोगों ने आपको रेनॉल्ड नंबर में जो एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ाया था। तो देख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर जो है वो दो चीज़ों का रेशियो होता है। सबसे पहले तो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। इनर्शिया फोर्स को एफ इक्वल टू एम इंटू ए से निकालते हैं। तो चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहली बार जो इनर्शिया फोर्स है वो होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। अब जो एम है, एम क्या है? डेंसिटी है, इंटू वॉल्यूम है तो ये मास हो गया, और एसेलरेशन। तो एसेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो हम इसी को हम इस तरीके से देखें कि रो, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया होता है और लेंथ होता है, ठीक। और जो वेलोसिटी है उसको मैंने बी से डिपेंड किया है और टाइम को टी से। अब देखो लेंथ और टाइम का रेशियो क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। तो रो ए वी एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई बी, यानी रो ए बी स्क्वायर, दिस इज द इनर्शिया फोर्स, ठीक। तो रो ए बी स्क्वायर जो है वो अपने आप में एक इनर्शिया फोर्स है। तो इनर्शिया फोर्स को हमें कहीं यूज करना हो तो हम रो ए बी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं विस्कस फोर्स, सिंपली दिस इज विस्कस फोर्स। अब भाई ये विस्कस फोर्स क्या है? तो विस्कस फोर्स जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि विस्कस फोर्स को हम विस्कस फोर्स क्या होता है कहाँ से निकालते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं। टाउ इक्वल्स टू क्या था? म्यू डी यू अपॉन डी वाई, है ना। तो टाउ क्या है? विस्कस फोर्स अपॉन एरिया, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा म्यू
एरिया डी यू अपॉन डी वाई, ठीक। तो ये म्यू हो गया और एरिया हो गया, बी हो गया और डी वाई हो गया। तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू ए वी और अपॉन एल, एल मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कोई भी हो सकती है। तो डी अपॉन डी वाई को हम एक तरीके से वी अपॉन एल यहाँ पर हमने बोला है। तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा हम यूज कर लेते हैं। तो हमें अब निकालना क्या है, रिनॉल्ड नंबर निकालना है। इसको हम आर ई से रिपेंड करते हैं। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। तो इनर्शिया फोर्स हो गया रो ए वी स्क्वायर अपॉन यू ए वी एल से नथिंग बट इट इज ओनली विस्कस फोर्स। तो यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, लेंथ रो एल वी अपॉन म्यू, ठीक। तो रेनॉल्ड नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा एट इज द रो एल वी अपॉन म्यू, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है कि हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की, उन सब की तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो डिपेंड करता है किस प्रकार की ज्योमेट्री है। मान लो अगर पाइप है तो वो वहाँ पर डाया के बराबर होती है और उसको हम बोलते हैं, हम इसको रो डी, इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डी बी और इसको म्यू अपॉन रो बोल सकते हैं। म्यू अपॉन रो क्या होता है, न्यू होता है, दिस इज द नथिंग बट इट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपने देखा रेनॉल्ड नंबर जो है वो क्या होता है, डी वी अपॉन न्यू, ठीक। डायमीटर बी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक, जिसमें जो मीन वेलोसिटी है जैसे एवरेज वेलोसिटी, और न्यू जो है वो क्या है, काइनेटिक वेलोसिटी है। तो इसमें हमारा जो हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, डायमेंशन वन आएगी, यानी डायमेंशन लेस नंबर है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इस तरीके से जितने भी डायमेंशन लेस नंबर उनको हम आराम से हम उनको निकाल सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी एग्ज़ाम में जैसे कि डीआरडीओ में, इसरो में, बार्क में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कौन सा से बनता है। तो इससे बहुत कठिन क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, जो क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई इसमें जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जो रेनॉल्ड नंबर है उसका फार्मूला क्या है, रो वी एल अपॉन म्यू, ठीक, या रो वी डी हो सकता है। तो ऐसे इसमें चार ऑप्शन दिया होगा, कभी म्यू ऊपर कर देगा, कभी बी नीचे कर देगा, कभी स्क्वायर कर देगा। तो उनमें से आपको सही ऑप्शन जो है आपको बताना पड़ेगा, ठीक। यही स्टेप्स इसमें जो क्वेश्चन इस पर फ्रेम होता है, ये पहला तरीका होगा। और दूसरा तरीका इसमें जो होता है, जैसे मैंने बोला कि रेनॉल्ड नंबर जो है वो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स इन दोनों का क्या है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। तो अगर विस्कस फोर्स ज़्यादा है, इनर्शिया फोर्स मान लो ज़्यादा है, अगर इनर्शिया फोर्स इतना ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, आप फिलहाल इसको देखो विस्कस फोर्स पर फोकस किया, अगर कहीं पे विस्कस फोर्स जो है डोमिनेंट कर रहा है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो इनका कम होने वाला है। अगर ये डोमिनेंट कर रहा है या प्री डोमिनेंट है तो यानी रेशियो इनका कम होगा, तो इसका मतलब है कि फ्लो जो है वो लैमिनार होने वाला है, ठीक। अगर वही हमारा इनर्शिया फोर्स अगर प्री डोमिनेंट कर रहा है, दिस इज़ द प्री डोमिनेंट, तो वहाँ पर राउंड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी और फ्लो हमारा जो है वो टर्बुलेंट फ्लो की ओर बढ़ेगा, अप टू टर्बुलेंसी जो है फ्लो यहाँ पर मेंटेन करेगा। तो इस टाइप से इस पर क्वेश्चन आता है। और हम इसके अगर मीनिंग के बारे में बात करें तो ज़्यादा कोई खास इसका नहीं है, यही मीनिंग है इसका जो मैंने आपको बताया है।
कहीं पर भी अगर क्लोज सरफेस है और या फिर फ्री सरफेस है, लिख सकते हो आप कि रेनॉल्ड नंबर इज वेरी एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सरफेस आर फ्री सरफेस। ठीक है, कहीं पर भी क्लोज सरफेस है फ्री सरफेस है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं वहाँ पर ये एप्लीकेबल है। और बहुत ज़्यादा जो इसके बिहेवियर में भी काफ़ी इसके जो है इम्प्लीमेंटेशन रहता है रेनॉल्ड नंबर का, जैसे कि कहीं भी अगर स्मॉल पाइप के थ्रू क्या हो रहा है कि फिलो हो रहा है तब भी हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन वहाँ पर होता है। और अगर कहीं पर सबमरीन कोई भी है वो वाटर के अंदर चल रही है फ्लो हो रही है तो वहाँ पर भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट मीनिंग है। और डिजाइनिंग में हम ध्यान रखते हैं कि सबमरीन का हम जो शेप है वो कैसे बनाएं क्या करें। और कहीं पर भी अगर कोई टर्बो मशीनरी है, जैसे कि हमारा बात करें कि टर्बाइन है पंप है वगैरह, तो वहाँ पर फ्लो के जो क्राइटेरिया है उसको भी डिफाइन करने के लिए हम लोग रेनॉल्ड नंबर का यूज करते हैं। और पाइप में फ्रिक्शन वगैरह के लिए रेनॉल्ड नंबर का यूज करते हैं। फिलो पैटर्न को पैट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से है जो मैंने आपको बताया। अब हम एक दूसरे राउंड नंबर के दूसरे डायमेंशन लेस नंबर की ओर बढ़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब हम दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं जो दूसरा डायमेंशन लेस नंबर है, जिसका नाम है फिरआउट नंबर। फिरआउट देखोगे कि फिरआउट नंबर इज अ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। ठीक, तो जो फिरआउट नंबर है वो एक्चुअली क्या है कि स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? दो प्रकार के जो फोर्स हैं उनके रेशियो का स्क्वायर रूट है। तो फ्राउड नंबर को जो है फ्राउड नंबर को हम जो है क्या करते हैं कि एफ ई से या फिर एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इसको एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो कोई बात नहीं, कहीं पे लिखा होगा तो फिर वो वहाँ प्रॉपर तरीके से बताएगा कि ये नंबर किससे रिप्रेजेंट किया गया, क्या उससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। तो एफ ई जो क्या है स्क्वायर रूट है, पहली बात क्लियर। दो प्रकार के फोर्स का है, सबसे पहला जो फोर्स है वो उसमें है इनर्शिया फोर्स। ठीक, इनर्शिया फोर्स देखो ऊपर जैसे कि राउंड नंबर लिखा, और साथ में क्या है कि इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों का रेशियो जो है एफ आई अपॉन एफ जी। एफ जी आपको मालूम है कुछ नहीं होता, सिर्फ जो बॉडी पर वेट लगता है उसके बराबर होते हैं। तो हम लोगों को इसमें क्या है कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तो भाई इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कि रो ए बी स्क्वायर है, ये तो क्लियर होगी बात। एफ जी क्या होता है? एफ जी जो होता है भाई एम इंटू जी होता है, और एम क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू लेंथ होता है। ठीक, और ए जी, तो ए से ए कैंसिल हो जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों, और रो से रो कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो बी आ जाएगा और अंदर एल इंटू जी रह जाएगा। तो दिस इज नथिंग ओनली वी अपॉन अंडर रूट एल जी, दिस इज द फिरआउट नंबर। देखो इसमें रेशियो इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये मान सकते हैं कि कैसे याद करें कि तो जो भी फ्रॉड करेगा वो ज़मीन पे करेगा, ग्रेविटी मतलब ज़मीन, ज़मीन पे करेगा तो यानी नीचे जो है नीचे आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स आएगा। थर्ड नंबर बोले तो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स आएगा, ऊपर इनर्शिया फोर्स आएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट। कई बार राइटर्स लिखते हैं कि सिर्फ सिंपली इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो कहलाता है, तो एक्चुअली हम आपको बताएं कि ये क्या मीनिंग है, एक मीनिंग है
रेशियो अगर ज़्यादा है तो उनका स्क्वायर रूट भी ज़्यादा होगा, बस यही मीनिंग है, इसलिए कभी कभी उसको ऐसे बोल देते हैं, मगर एक्चुअल में हम बोलेंगे तो बोलेंगे इनका स्क्वायर रूट है। क्लियर? तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन बन के आता है, जे बी क्या है? बी है कि हमारे जो स्पीड है फेलो की जो स्पीड है वो, और जी आप जानते हो 9.81, और एल जो है वो फेलो जो है कितने लेंथ को ट्रेवल कर रहा है, वो यहाँ पर मतलब होता है। अब इसका यूज लिख लीजिए कहाँ पर यूज होता है। तो अगर कहीं पर ओपन चैनल में फेलो हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई नोच चैनल बीयर हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ ओपन चैनल फेलो हो रहा है ना, तो वहाँ पर अगर आपको फेलो के बारे में स्टडी करना है, फेलो का ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो स्टडी करना है, तब हम इस नंबर के हेल्प लेते हैं। तो अगर कोई भी सिप है वो टर्बुलेंट वाटर वाली सी में अगर मूवमेंट कर रही है, तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है, क्योंकि सिप जो है एक रेजिस्टेंस को वियर करती है। और कहीं पर भी फ्लो जो है अचानक किसी लिक्विड के ऊपर से होके कोई ओवरफ्लो हो गया, कोई प्लांट में आप देखोगे कोई ओवरफ्लो हो जा रहा है, मतलब किसी भी वेसल से मटेरियल ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो वह कहाँ तक पहुँच पाएगा और वो कितना आगे बढ़ेगा, कितना फैलेगा, कितना ज़्यादा फैलेगा, क्या होगा, तो वो सारी स्टडी जो है थर्ड नंबर के थ्रू की जाती है। तो कहीं पर भी अगर फ्लो ऐसा हो रहा है जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट से प्रभावित हो रहा है, तो वो उसमें होता है। हम लोगों ने आपको बताया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हम आपको पढ़ाते हैं कि क्या यूज है इसका, मैंने बहुत ही विस्तार से आपको हर चीज़ बताई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं मालूम होगी, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम तीसरे डायमेंशनलेस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं बेबर नंबर। बेबर नंबर थोड़ा बेवड़ा नहीं है भाई, शराबी नहीं है, बेबर नंबर हमारे बड़े काम का नंबर है। और बेबर नंबर का संबंध किससे है? सरफेस टेंशन फोर्स से। ठीक, तो बेबर नंबर इसी तरीके लिख लीजिए कि जो बेबर नंबर है उसको हम डब्लू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है ये भी क्या होता है? इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स, और साथ में क्या है? इनर्शिया फोर्स के साथ में इनर्शिया फोर्स के साथ में सरफेस टेंशन, इनर्शिया फोर्स के साथ में सरफेस टेंशन फोर्स, इन दोनों का रेशियो का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो आप इसको देखोगे तो दिस इज नथिंग, इट इज़ रो ए वी स्क्वायर। और सरफेस टेंशन आपको मालूम ही है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है? टाउ इक्वल टू क्या था? एफ अपॉन एल है ना, आपको याद होगा, वो उसको कभी म्यू से भी डिपेंड करते हैं, तो म्यू इक्वल टू था एफ अपॉन एल। तो यहाँ से एफ निकालोगे तो द म्यू इंटू एल है। ठीक, एफ अपॉन एल, तो यहाँ से एफ निकालोगे, जैसे सरफेस टेंशन फोर्स, तो रो इंटू एल आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से कुछ सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर है तो बी तो बाहर आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको और तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एरिया कट नहीं रहा है तो एरिया जो है वो किसी न किसी कटे से लेंथ का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर रो इंटू एल। तो यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो बन के आएगा वो रो वी स्क्वायर एल अपॉन सिग्मा। इसको मैं लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर ऊपर रहने दें और सिग्मा अपॉन रो एल स्क्वायर रूट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बी बाहर निकाल लें और जो सिग्मा अपॉन रो एल है इसको हम क्या करें? सिग्मा अपॉन रो एल। ठीक, हम इसको स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। ठीक, तो दिस इज डब्लू ई, तो वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन रो एल, दिस इज बेवर नंबर।
वेबर नंबर हम लोगों ने बात की कहीं पर भी रेशियो किसी सरफेस टेंशन का, तो कहीं पर सरफेस टेंशन अगर अपना रोल प्ले कर रही है, मतलब से आप देखो किसी लिक्विड में हम भरते हैं तो ऐसे बन जाता है ऊपर कॉनकेव या कॉन्वेक्स बन जाता है, तो फिर वहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी का फेलो हो रहा है मटेरियल का, तो फेलो होते जो ग्राउंड पे वो क्या है कैसे बल है बना बूंद का बना रहा है फॉर्म बना रहा है, तो वहाँ पर हम उनके फेलो की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम इसका नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो वेबर नंबर अगर लेस देन वन है, ठीक है, वेबर नंबर क्या है लेस देन वन है, इसका मतलब पूरी वैल्यू जो है वन है कम है, मतलब नीचे वाला पार्ट क्या है ज़्यादा है, तो मतलब सरफेस टेंशन प्रीडोमिनेंट है। कहीं पर फ्लो हो रहा है सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर जो सिग्मा वो वेबर नंबर है वो लेस देन वन आने वाला है, ठीक, ये बात रखनी। और ये तब होता है जब कहीं पर भी लिक्विड सरफेस में है ना जो कर्वेचर जो होता है कम होता है और उसकी जो नीचे वाला डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक। मान लो हमने देखा कि लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ तक तो वो नहीं कर यहाँ पर कर्व बन रहा है, ठीक, इस तरीके से, तो नीचे वाला डेप्थ क्या होती है वो उसके हिसाब से होता है, ठीक है, कर्वेचर कम होता है और डेप्थ ज़्यादा होती है तब ऐसे केस में होता है। और बहुत जगहों पर फ्लो हो रहा है, जैसे को इसमें हम और एग्जांपल पूछें तो बलराम कह रहे सर और एग्जांपल बताइए, तो इसमें क्या हो रहा है कि कहीं पर अगर ब्लड है हमारा वो वेन में और आर्टरी में नस में मतलब धमनी और सिराओं में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है और कहीं पर भी हमें तो इसमें कैपिलरी के थ्रू कहीं पर लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है, या फिर हम देखा होगा ज़मीन में ग्राउंड में जो वाटर होता है वो कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कैसे आता है वो कैपिलरी के थ्रू आता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे ज़मीन किस प्रकार की है वहाँ पर कितना वेबर नंबर की वैल्यू कितनी है, तो कितना इफेक्टिवली हमारा ट्रांसफ़र हो पा रहा है, तो वो ग्राउंड में कितना उपजाऊ पानी ज़मीन है क्या है वो सब स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं। और किसी भी लिक्विड की थिन लेयर अगर किसी सर्फेस के ऊपर ज़मीन के ऊपर किसी ग्राउंड के ऊपर तैर रही है, या फिर हम देखें किसी भी जैसे फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर है वहाँ पर भी क्या है कि कोई फिल्म बन के नीचे गिर रही है, तो वहाँ पर जो है एक सरफेस टेंशन रोल प्ले कर सकती है, तो वहाँ पर भी वेबर नंबर का यूज हो सकता है। तो वो हर जगह पर हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं सरफेस टेंशन का ये रोल एक बड़ा रोल है। वेबर नंबर हम लोगों ने पढ़ा, अब हम अगला नंबर पढ़ते हैं। वेबर नंबर के बाद जो नंबर है वो है मैक नंबर, सो मैक नंबर बोलते हैं, ठीक, मैक नंबर एक बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है। तो मैक नंबर क्या है भाई, मैक नंबर भी इनर्शिया फोर्स है, मैक नंबर जो है वो क्या है इनर्शिया फोर्स है और नीचे इसमें रहता है इलास्टिक फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स होता है रो ए वी स्क्वायर। अब जी इलास्टिक फोर्स क्या होता है, तो इलास्टिक फोर्स को हम पढ़ने के लिए मैंने आपको याद होगा इलास्टिक फोर्स जो होता है वो हमारा होता है इलास्टिक फोर्स क्या था सिंपली, इसमें एक तो था एफ इक्व टू के एक्स जो ओ जे था एक है, और इसमें जो इलास्टिक फोर्स है वो इलास्टिक कांस्टेंट और एरिया का मल्टीप्लाई था, है ना, एरिया, तो इलास्टिक कांस्टेंट और एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, ठीक, ये भी जो है इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला है, तो इसको पुट करिए रो ए बी स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर, ठीक, और के एल स्क्वायर एक्चुअली जो है वो एरिया से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए का मतलब एल स्क्वायर होता है, और यहाँ से बी बाहर आ जाएगा ऊपर का और नीचे जो है के अपॉन एल वो के अपॉन रो, ये क्या है इसका यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो हो गया हम लोगों ने देखा के अपॉन द वी अपॉन बी अपॉन, इस तरीके मैंने क्या बोला कि इसमें इसको बोलते हैं हम मैक नंबर, तो मैक नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से, और मैक नंबर जो है हम निकाला कि भाई जैसे द वी अपॉन के अपॉन रो, और के अपॉन रो जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है अंडर रूट के अपॉन रो जो होता है वो सी होता है, सी सी क्या है
वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूड, कोई भी नदी में पानी भरा हुआ है, किसी वेसल में है, टरबाइन से लिक्विड जा रहा है, इसमें कोई साउंड किसी प्रकार का फ्लूड से होकर गुजरेगा तो उसके साउंड को हम सी से बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी, उस ध्वनि की वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ साउंड को जो किसी फ्लूड से गुजरती है या फिर अनावले से जाती है, तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। इसी में क्या है कि आगे हम लोग देखेंगे अपना नए तरीके से। तो ये हमारा टॉपिक था, इसमें हम अब इसकी बात है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैक नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो इसको बस आपका रखना है, और इसका रेशियो नहीं है बल्कि इसका एक स्क्वायर रूट है। अब बहुत सारे केस में क्या है कि अगर हमारा फ्लो किसी पाइप के थ्रू हो रहा है तो वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, ज़्यादा है कम है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक नंबर स्टडी करते हैं। किसी भी पाइप में अगर फ्लूड हो रहा है, उसमें लिक्विड भी है और गैस भी है, जैसे अब देखो कंडेंसेट फार्म हो जाता है ना, प्लांट में स्टीम की लाइनें बनी होती हैं, बारिश हो गई तो कंडेंसेट फार्म हो गया, अब वहाँ लिक्विड भी है गैस है, तो टू फेज मिक्सचर हो जाता है, हैमरिंग वहाँ क्रिएट होती है, तो वह हैमरिंग हो जाती है, जो कि बड़े बड़े कभी पैन स्टॉक होते हैं, जैसे हम देखा होगा कि डैम से पानी आ रहा है बड़े मोटे पाइप के थ्रू किसी टर्बाइन पे, तो वो दिस इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ पाइप इज कॉल्ड पैन स्टॉक। तो पैन स्टॉक, ठीक, तो भाई ये पैन स्टॉक जो है, इस पैन स्टॉक में वाटर हैमरिंग का केस कितना पॉसिबल है, तो उसको भी मैक नंबर से हम निकालते हैं। कोई भी हमारा फ्लो जो है किसी पतले होल के थ्रू हो रहा है, मतलब ओरिफाइस के थ्रू हो रहा है, या फिर तो हम तो वहाँ पर भी हम इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसके अलावा माउथ पीसेस वगैरह हैं, तो माउथ पीसेस हैं ना जो, मतलब पाइप वगैरह, तो उनसे भी हम इसका कह सकते हैं, जो ऑर्गन्स आपने पाइप पड़े होंगे, तो वो सब उनके में भी मैक नंबर का एक बड़ा एक यूज है। तो हम लोग एक बार जो है दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें हम लेक्चर को फिर हम बंद कर दें। तो आइए देख लेते हैं वो दोबारा से। सबसे जो पहला हमारा था वो था हमारा रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर भाई था रो वी डी या फिर एल अपॉन म्यू। ठीक, हम लोगों ने कहा रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, सिर्फ रेशियो। ठीक, फिर हम लोगों ने बात की थी फेराउड नंबर की, तो मैंने बोला कि फेराउड नंबर मतलब कि अगर फ्रॉड करोगे तो ज़मीन पर गिरोगे, तो इसका मतलब यह है कि पहली बात तो ये सर स्क्वायर रूट होगा और इनर्शिया फोर्स होगा ही होगा, और नीचे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आ गई तो आपने कहा सर वो तो मुझे याद है, बी अपॉन अंडर रूट एल अपॉन जी निकल के आया था। तीसरे नंबर पे हमने बात की, इसमें बोला आयलर नंबर, तो आयलर नंबर जो था, आयलर नंबर है ना, तो आयलर नंबर में मैंने बोला कि भाई इनर्शिया फोर्स का और अच्छा आयलर नंबर आपको नहीं पढ़ाया, ठीक, आयलर नंबर नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो आयलर नंबर देख लो। आयलर नंबर जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स का। ठीक, तो इनर्शिया फोर्स का क्या होता है, रो ए बी स्क्वायर अपॉन प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया है ना, तो यहाँ से एरिया कैंसिल हो गया, और इसको हम देखेंगे तो हम बी बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड आयलर नंबर। तो इसी में फिर हमने आगे हम लोगों ने देखा था कि चौथे नंबर पे जो था हमारा बेबर नंबर, तो बेबर नंबर मैंने बोला कि सरफेस टेंशन को होता है इनर्शिया फोर्स सरफेस टेंशन का रेशियो होता है, तो हमने लोगों ने देखा बी और अपॉन एंड इसमें सरफेस टेंशन निकल के आया था और रो इनटू एल निकल के आया था। पाँचवें में हम लोगों ने पढ़ा था मैक नंबर, तो मैक नंबर जो था वो रेशियो था इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का, और उन दोनों का रेशियो। ठीक, मतलब इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स इन दोनों रेशियो का, तो फाइनली हम लोगों ने वो निकाला था बी अपॉन अंडर रूट के अपॉन रो है ना, तो इसमें इस तरीके से, तो बी हमने इसको सी बाद में बोला। ठीक, के अपॉन रो इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन अ फ्लूड। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको देखा, तो हम इसको एक बार सिंपली समराइज करें, तो हमने इनर्शिया फोर्स देखा रो जो मतलब राउंड नंबर देखा रो बी डी अपॉन म्यू, ऐसे हमने
फ्राउड नंबर देखा तो मैंने कहा इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है, तो बी अपॉन अंडर रूट एल जी निकल के आया था। ऐसे ही आयलर फोर्स देखा तो आयलर फोर्स का आयलर नंबर क्या होता है, आयलर नंबर होता है भाई कि इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो, सॉल्व किया उसको तो वी अपॉन अंडर रूट पी अपॉन रो निकल के आया। ऐसे वेबर नंबर देखा तो वेबर नंबर में मैंने कहा भाई इसमें सरफेस टेंशन आता है, तो आपने कहा इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन रेशियो होता है और इसको अंडर रूट लेते हैं। ऐसे मैक नंबर जो तो मैंने निकाला था क्या ना बी अपॉन सरफेस टेंशन बी अपॉन रो अपॉन बी अपॉन अंडर रूट रो अपॉन एल जी निकल के आए। ऐसे मैक नंबर में देखा तो मैंने मैक नंबर में भाई इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स निकल के आया, तो वो निकल के आया था हमारा कि वी अपॉन अंडर रूट के अपॉन रो, इसको हमने बी अपॉन सी वाला। तो इस तरीके से ये हमारी थ्योरी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और इससे कहीं भी बाहर आपसे इस सब्जेक्ट में डायमेंशनलेस नंबर नहीं पूछे जाएंगे। और तो इसमें दो अप्रोच हैं जिसे डायमेंशनलेस नंबर निकालते हैं, पहला नंबर अप्रोच है वो रेनॉल्ड अप्रोच है और दूसरी अप्रोच है बकिंगम पाई अप्रोच। ठीक, इतना ही पूछ सकते हैं आपसे। डायमेंशनलेस नंबर निकालने के लिए कौन से दो मेथड यूज करते हैं, आप बोलोगे बकिंगम पाई मेथड। और नंबर दो मैं लिख देता हूँ, पहला जो मेथड है वो है बकिंगम पाई मेथड, पाई मतलब जे वाला पाई, और दूसरा जो है वो रेनॉल्ड जो आपने आपने ट्वेल्थ में फॉलो किया था। ठीक, डायमेंशनलेस नंबर निकालने का फिर उसके यूनिट निकालने का, तो ये दो मेथड हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर था, उसको पढ़ लीजिए, कमेंट बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।